गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदुरई और गुड मॉर्निंग अपनी गाड़ी से हो रही है अभी सेम आदियोगी में जो हाल हुआ वो यहाँ पे हुआ। तो अभी 4 बज रहे हैं सुबह के और अभी हम निकल रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल के लिए। सो लेट्स गो। सो अभी हम लोग आ गए हैं मीनाक्षी टेम्पल के बाहर पार्किंग में और पार्किंग में देखा तो क्या, और 2-3 लोग भी गाड़ी में ही सो के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत लोगों को यहाँ के जो होटल्स है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, सबको दिक्कतें का सामना करके गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है लास्ट में। और इनके होटल्स भाई खाली भी पड़े हैं कुछ कुछ, फिर भी इनके प्राइसेस हाइक है और फिर भी। सो अभी हम लोग आ गए हैं मीनाक्षी टेम्पल से। सो मीनाक्षी टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है और आर्किटेक्चर वहाँ का देखने लायक है। सो आप भी जरूर आइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर्किटेक्चर कमाल का बना के है। और फिर दर्शन लिया और फटाफट से आ गया मैं। अभी बज रहे हैं 5:54 सुबह के, इतने सुबह सुबह हमारी जर्नी पहली बार नहीं दूसरी बार शुरू हो रही है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बेंगलोर के लिए। सो लेट्स गो। और हाँ, अगर मथुरा आ रहे हो तो ट्रैफिक रूल से आगे बहुत खतरनाक है, वन वे बहुत ज़्यादा है सिटी में और ज़्यादातर आपको गली गली में से जाना पड़ेगा, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत मस्त व्यू है बॉस यहाँ से। सो अभी हम लोग एक होटल पे रुके हैं और यहाँ से बेंगलोर है और 300 किलोमीटर। हमने बहुत ब्रेक लिया क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो एक दो बार मैंने गाड़ी रोक दी और साइड में गाड़ी रोक के सो गया था मैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और नींद में गाड़ी चलाना इज टू रिस्की, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी थी और सो गए थे हम। दो जगह पे सो गए, नहीं एक ही जगह पे सो गए थे। हाँ, एक ही जगह पे रोकी मैंने गाड़ी और सो गया था मैं। और फाइनली अभी बेंगलोर है यहाँ से 300 किलोमीटर। अभी 9 बज रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन अभी होटल में रुके हैं और फ्रेश वगैरह हो गया मैं थोड़ा सा अभी, और कुछ खाते हैं अभी। लेट्स गो। इस वाले स्टॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मस्त मसाला डोसा एक खा लिया, एक कॉफ़ी मार ली, अभी निकलते फटाफट बेंगलोर। अभी बेंगलोर नहीं, अभी हैदराबाद ही निकल जाते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ से ही अपन बेंगलोर से आए थे सेलम, और सेलम से अपन गए थे कोयम्बतूर, लेकिन अभी अपन जा रहे हैं वापस बेंगलोर। दिस इज बेंगलोर। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मदुरई से लेके बेंगलोर तक रोड मक्खन चल रहा है, अभी भी मक्खन रोड है। अभी बस खाना खाने के लिए मैं रुका हूँ, और बेंगलोर अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है तकरीबन, और अपने को बेंगलोर के आगे निकल जाना है। बेंगलोर में नहीं रुकना है, बेंगलोर में रुक के अभी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आते वक्त अपन रुके थे और अभी आज का पूरा दिन बाकी अपने पास में, अभी 12 बज रहे हैं, तो बेंगलोर के आगे निकल जाते हैं एंड उसके बाद में देखते हैं हैदराबाद चले जाएंगे, नहीं तो फिर बीच में कहीं स्टॉप कर लेंगे। लेकिन हैदराबाद तो आज पहुंच जाएंगे आराम से रात तक, और हैदराबाद में जाके स्टॉप करेंगे फिर। और एज यू कैन सी, ये पूरा हाईवे है 4 लाइन का, मस्त मक्खन, और यहाँ पे फास्टैग का दुकान है, और यहाँ पे होटल श्री सरावाना भवन में अपन रुके हैं अभी। लेट्स हैव सम फूड। सो फाइनली मैं आ गया हूँ, क्या नाम है भाई इसका, अनंतपुर।
अनंतपुर में आ गए। अनंतपुर है ना, एक मिनट भूलिए ना, अनंतपुरी है शायद, अनंतपुर में आ गया हूँ मैं अभी। और रात के बज रहे हैं 12। भाई बेंगलोर से निकलते निकलते पूरी की पूरी ऐसी की तैसी हो गए, क्योंकि बेंगलोर से निकलने में, सिर्फ बेंगलोर से निकलने में तकरीबन 3 घंटे लग गए ट्रैफिक से निकलने में। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, और फिर उधर से अनंतपुर आने में भाई 12 बज गए अभी, और सुबह 6 बजे से मैं ड्राइविंग कर रहा था, फुल थक गया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ सोने, एक होटल मिल गया। मिलता हूँ गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैव फन। बाय।